राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा। मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि अपन हृदय बसावा। राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आज के श्री राम कथा में रवालोक के स्वागत बा। रवालोक के श्री राम कथा में पिछला सप्ताह सुनावल गए रहे कि नारद मुनि मोह के वश में आ गए ने, माया के वश में आ गए ने, बंदर के रूप वहां के मिल गईल, जोन चाहत रही ना मिल पाईल। क्रोध में आके भगवान नारायण के गाली देवे लगने, खोजे लगने कि मिल जाई तो वहां के हम बताए। भगवान की लीला बड़ा अपार बा। नारद मुनि खिसियाले चलल जात रही, वही रास्ता में भगवान विष्णु नारायण अपना लक्ष्मी जी के साथ है, और लक्ष्मी जी के रहे वही राजकुमारी जकरा से नारद मुनि ब्याह करे के चाहत रहे। वही रूप में लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ चलल आवतनी। गोस्वामी जी वर्णन करतनी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, बोले वचन वचन सुरसाई, बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। बीच रास्ते में ही भगवान नारायण मिल गईनी, और देख के व्याकुल नारद मुनि के पूछा तनी कि हे नारद मुनि, व्याकुल होके रहुआ कहां जाता नहीं, साथ में देवी लक्ष्मी जी रही। नारद मुनि बड़ा व्याकुल हो गए नहीं, और भी क्रोधित होके खिसिया के कहे लगने कि रवा सिर पर केहू नहीं के, यही से हे भगवान रवा मनमानी करता नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, रवा एकदम स्वतंत्र बानी, यही से मनमानी रह और चल रहल बा। समुद्र मंथन भइल तो शंकर भगवान के विष पेवा देनी, और अपने लक्ष्मी जी लेके चलैनी। जहां जहां ऐसा मौका आयल बा रउआ फायदा उठैले बनी। बहुत तरह के अपशब्द भगवान खातिर नारद मुनि कहतनी, और ये भी कहतनी कि भले भवन अब बायन दीन्हा, पाओ गे फल आपन कीन्हा। रउआ नीमन घर में बाइना देले बनी, कोनो गरीब के घर रही तो बाइना वापस ना होइत, ना लौटित, बाकी हमरा के रउआ देले बानी तो सब सूद सहित लौटावल जाए। रउआ हमरा के जीवन में ऐसन कष्ट देनी तो हे नारायण हमू रउआ के साप देतनी, शरापतनी कि हम नारी के बिरह में तड़प रहल बानी, तो रउरो जीवन में ऐसन समय आई कि रउआ अपना पत्नी खातिर व्याकुल होखे व तड़पे, हमार रूप रउआ बानर के बना देनी। तो इतना जरूर याद रखी कि बानरे रवा के सहयोग करिया सन, तब जाके राउर पत्नी मिली है।
सांप नारद मुनि दे देनी। भगवान खुश हो गए नहीं कि अच्छा भइल, कहे कि हम चाहत रहे नहीं कि नारद जी सांप दी और हमरा धरती पर अवतार लेवे के अवसर मिलो। भगवान जी अपन माया समेट लेनी, गोस्वामी जी वर्णन कैले बनी, सांप शीश धरी हरस हिया, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लिन। नारद मुनि के शाप भगवान अपना सिर पर मुनि पर ले लेनी और जब माया के समेटत आनी तो नारद मुनि का बड़ा आश्चर्य भइल और व्याकुल होके नारद मुनि रोए लगले कि हे प्रभु ही हमरा से का हो गई, रवा भगवान है हम दास है और हम रवे के श्राप दे देनी, इतना बड़ा भूल हमरा से कैसे भइल। तो भगवान जी कहनी कि हमार इच्छा रहल है जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहरा मान राजकुमारी, नहीं तहरा मान राजकुमारी, सबित हरि चरना, मुनियति सबित हरि चरना, कहे पाही प्रणता रति हरना, अहो हो मम शाप कृपाला, मृषा हो मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया जब भगवान माया हटा लेने, कहे कि यहां न नारद मुनि संसार में आशक्त हो सकता नहीं, कहे कि नारद मुनि जैसे भक्त कभी भी माया में फंस नहीं के सकत। एगो छोटा विराम लिया था, फिर एक कथा चलत रही, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त है, नारद मुनि जैसे भक्त के माया छू नहीं खे सकत। बकिर भगवान के ही जब इच्छा होखो कि वहां के अवतार लेवे के बा, लीला करे के बा, तो अपने भक्तन के भी वहां का माध्यम बनावे ने। नारद मुनि के जीवन में वो सब प्रक्रिया गुजरल बा जौन एगो भक्त के जीवन में गुजरेला। एक तरह से समझे के चाही कि भक्त के जीवन में कैसन कैसन परिस्थिति आवेला। भक्ति के मतलब होला अहंकार के विसर्जन, जीवन के सब कुछ के समर्पण। और जब अहंकार आ जाए तो भक्ति के विसर्जन हो जाए, भक्ति ना बाची वह विभक्ति बाची। तो नारद मुनि के जीवन से सीखे के चाहिए कि भक्ति कैसे होला, भगवान के ऊपर भरोसा के नाम ही भक्ति है।
और अहंकार के नाम ही भक्ति से दूर होके वाला चीज है। नारद मुनि के जीवन में अहंकार आई, वहां का भगवान से दूर हो गई नहीं, और जब भगवान से भक्त भी दूर हो जाला तो उकरा जीवन में संकट आवेला और माया उकरा के घेर लेवेले। नारद मुनि के जीवन के घटना सब भक्त के जीवन के घटना है। बकरियां भगवान लीला कर रहल बानी, वहां के इच्छा से सब ये घटना भइल बा। नारद मुनि के यहां कोई दोष नहीं के। नारद मुनि खीस में आके भगवान जी के श्राप देतने और भगवान कहतने कि हे नारद मुनि, इमे राउर कोनो दोष नहीं के, मम इच्छा कह दीन दयाला। ये तो हमार इच्छा रहला कि कोनो ऐसन घटना होखो जकरा कारण रुवा हमरा के श्राप दी और ऐसने श्राप दी कि हमरा धरती पर जाए के पड़ो, अवतार लेवे के पड़ो। हमारी इच्छा पूरा भइल। बाकी नारद मुनि दुखी हो गनी, कहलग निके हे प्रभु, भले रावर इच्छा रहल हा, भले ही रवरा मर्जी से सब भइल बा, लेकिन गलती तो हमरे से भइल बा। हम रुवा के गाली देनी, हम रुवा बारे में अपशब्द कहनी, हमरा मन में अहंकार आ गई, हम का सोचे लगनी, हमरा के कोनो ऐसे उपाय बताई जोना से हमार मन में शांति हो को। तो भगवान नारायण नारद मुनि से कहता नहीं, जब हो जाए शंकर सतनामा, जब हो जाए शंकर सतनामा, हो हृदय तुरत विश्राम, होई हृदय तुरत विश्राम, को नहीं सिवा समान प्रिय मोरे, को नहीं सिवा समान प्रिय मोरे, असि परति तीत जहूं जनि भोरे, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा। भगवान कहतने हे नारद मुनि, जप हो जाए शंकर सतनामा। भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के सतनाम के पाठ रवा करी, को नहीं शिव समान प्रिय मोहे, हमरा शंकर भगवान से प्रिय और केहू नहीं के। उनकर नाम लेव तो रवा मन में शांति मिली। नारद मुनि भगवान नारायण से उपदेश लेके आगे बढ़ता नहीं, मार्ग में रास्ता में शिव जी के वो दोनों गण लोग मिलल, जे ब्राह्मण वेश बना के नारद मुनि के तरह तरह से परेशान के लख लो और झूठ का लख लो कि हे नारद मुनि, रुआ तो एकदम भगवान नारायण जैसे लौकता नहीं। और बाद में नारद मुनि के वो रूप देखे लख लोग कि जोन बानर के रूप में रहे। नारद मुनि खीस में आके दोनों गण के शब्द दिल रहे, अब आज वही दोनों गण से भेंट होता और गण लोग आके कहता कि हे नारद मुनि, हमने कोनो ब्राह्मण ना है, हमने तो शिव जी के गण है, हमने से अपराध भइल, रुवर शाप दे देनी, हमने पर कृपा करें कि शाप के विमोचन हो सको। नारद मुनि आशीर्वाद देनी कि तनी गलती कैले रहला हलो तो श्राप दियाइल, बकिर आशीर्वाद देतनी कि राक्षस बने के श्राप दियाइ रहल, तो हम आशीर्वाद देतनी कि राक्षस तो बनबा, बकिर तनी दोनों जाने की मृत्यु भगवान के हाथ से होई
तो मोक्ष के प्राप्ति हो जाए। तो इतिहास कहेला कि एगो इहो घटना बा भगवान के अवतार लेवे के कि हे शिव जी के दोनों गण रावण और कुंभकर्ण भगवान की लीला अपार कथा के कथा भी बहुत अपार है। ये कथा प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर जागवल कृषि भरद्वाज जी से सुना रहल बानी। एगो छोटा विराम लिया था, फिर एक कथा चलत रही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ईश्वर अनंत बानी, परमात्मा के रूप अनेक बा और वहां की लीला भी अपार बा। ये कथा त्रिवेणी संगम पर याग्वल कृषि भरद्वाज जी से सुना रहल बने। कहतने हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, रामचंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोटि लग जाहि न गाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। याग्वल कृषि भरद्वाज जी से कहतनि, हे भरद्वाज, रुवक के हम सब कथा अभी सुनैनी, लेकिन ये समझ ले कि हरि अनंत वाणी, भगवान अनंत वाणी। अनंत मतलब जेकर अंत ना होला, जेकर समाप्ति ना होला, जे खत्म ना होला। जितना हमने खोजे उतने वो बढ़त जाई है। जेकरा के शास्त्र वेद कहेला पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत वाणी। अजे अनंत बा ओकर कथो अनंत होई, जे अनंत बा ओकर कथा सीमित कैसे हो सकता। तो हरि जी भगवान जी अनंत वाणी और वहां के कथा भी अनंत बा। ऐसन अलग अलग बहु विधि सब संत लोग कहेला। याग्वल कृषि भरद्वाज जी से कहतनि, हे भरद्वाज, भगवान बिना कारण के अवतार ना लेवेनी। कुछ कारण हम रउआ के सुनैनी। ऐसन शिव जी पार्वती जी से कहतनी, तो एक और कारण भगवान के अवतार के सुनी। स्वयं भो मनो अरु सत रूपा, जिन्हें ते भय नर सृष्टि अनुपा। चिरते है नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्माचरण निका, दंपति धर्माचरण निका। अजहु गाव श्रुत जिन्हें कैली का, स्वयं भो मनु अरु सत रूपा, स्वयं भो मनु अरु सत रूपा। स्वयंभु मनु महाराज और सतरूपा जी, जिनका से सब सृष्टि बनल बा, जितना
मानव ये धरती पर बा, जितना मनुष्य ये धरती पर बा, सब मनु महाराज के संतान हलो। यही से वो लोग के मनुष्य कहल जाला, क्योंकि वो लोग मनु के संतान हा। मनुर महाराज के आचरण व्यवहार बहुत श्रेष्ठ और उत्तम रहे। उनका राज्य में केहू का दुख ना होके सब लोग खुशहाल रहे, सब लोग के जीवन में आनंद रहे। लेकिन एक दिन मनु महाराज के मन में विचार भइल कि हमार समय गुजरल जा रहल बा, चौथापन आ गइल। गोस्वामी जी वर्णन करता नहीं, ओ इन विषय विराट भवन बसत भचोतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगति बिनु। मनु महाराज के मन में ग्लानि भइल, मन में दुख भइल कि चौथापन आ गइल और अभी तक विषय वासना से वैराग्य ना भइल। जीवन में कितना आदमी के मन में विचार आवेला, बहुत कम आदमी बालन। ए पर चर्चा काल कइल जाए कि कैसे भगवान मनु के मन में विचार आइल और ऐसन वैराग्य के विचार आवे तो का करे के चाहिए। आज की कथा यह जा विराम देवल जाए। रुवा लोग के मन में कोई प्रश्न हो को, कोई जिज्ञासा हो को तो जरूर पूछे। जो नंबर और ईमेल आईडी चल रहल बा, आज के समापन से पहले हमने भगवान नाम के कीर्तन थोड़ी देर कई जाओ। आई रुवा लोग भी हमरा साथे भगवत नाम की कीर्तन करी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर 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 मधुर नाम सीताराम